अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। से वहां पर भारतीय जनता पार्टी की वहां भी सरकार है, लोगों से बात हुई है, होती है, लोग त्रस्त हैं और वो भी कांग्रेस को याद कर रहे हैं। तो मुझे कहने में ज़रा भी संकोच नहीं है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम पांचों जगह पर कांग्रेस पार्टी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार 11 दिसंबर 2018 को बनाने के लिए पर्याप्त एमएलए होंगे। बनेगी कब, 2-4 दिन बाद नहीं कह सकता, ये 11 तारीख की बात मैं कर रहा हूँ, अगले महीने जी। अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं या लड़ाने जा रहे हैं तो वहां जो अनुभव होगा वहां पर बताएंगे, और बहुत सा अनुभव शेयर नहीं किया जाता, बहुत सा अनुभव प्रयोग तो किया जाता है, शेयर नहीं किया जाता, बल्कि 90% ऐसा होता है, 10% ही शेयर किया जाता है। आप बांदा को ही ले लिए, मोदी जी की सरकार बनने के बाद, योगी जी की सरकार बनने के बाद क्या 1 रुपया का काम आपके बांदा जिले में हुआ है? अगर हुआ है तो मैं जानना चाहूंगा किसने किया है 1 रुपया का। और इसके पहले क्या हुआ है मैं अपनी वाहवाही नहीं सुनना चाहता, और मैंने इसलिए नहीं किया कि मुझे यहां से चुनाव लड़ना है, मैंने सिर्फ इसलिए किया था कि यहां के लोगों ने एक बार मुझे एमएलए बना के भेजा, और बार बार मैंने कहा कि जीवन भर जब मुझे मौका मिलेगा वो उपकार मैं उतारूंगा, मेरी संतानें उतारेंगी। कांग्रेस में फर्क इतना है कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, अगर बस पोजीशन में भी रही तो 3 जगह 3 प्रांतों में सरकारें कांग्रेस की रही, तो ये बड़ी पार्टी है, बड़ा संगठन है, पुराने लोग हैं, 1 दर्जन से ज्यादा पूर्व मुख्यमंत्रियों का तजुर्बा मुझे मिल रहा है, पूर्व प्रधानमंत्री जी का तजुर्बा मिल रहा है, और सौभाग्य इस चुनाव में ये भी प्राप्त होगा कि सर उनके साथ भी मैं रहूंगा, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी, माननीय सोनिया के साथ जी के साथ साथ मनमोहन जी के साथ भी रहने का मौका मिलेगा, तो वो फिर जब अनुभव वो होता है तो वो शेयर करूंगा। लेकिन कांग्रेस और जहां तक बीएसपी की बात है तो वो उसका एक अलग काम करने का तरीका है, यहाँ अलग काम करने का तरीका है, यहाँ बहुत से विंग्स हैं, बहुत से डिपार्टमेंट है, बहुत से फ्रंटल हैं, सेवा दल है, महिला विंग है, और वहाँ मुख्यतः मेन है एक बीएसपी मेन, तो यहाँ संगठन काफ़ी बड़ा है और उनका भी ठीक है, अपना चला रहे हैं, चलाएगा उस पर क्या। नरेंद्र मोदी जी जब बनारस लड़ने पहुँचे तो उन्होंने कहा मुझे गंगा मैया ने बुलाया है और गंगा स्वच्छ करना मेरा परम कर्तव्य है, मैं कटिबद्ध हूं, मैं प्रतिबद्ध हूं। 4.5 साल में गंगा निर्मल हो गई, आज बिल्कुल निर्मल है, वही गंगा भैया जिनको जिन्होंने बुलाया था। मेरा मोदी जी को सुझाव है कि जब तक इलेक्शन नहीं होता उस निर्मल गंगा भैया में, जिसका हम भी सम्मान करते हैं, सब सम्मान करते हैं, हिंदू अगर मूर्ति में जल चढ़ाता है तो मुसलमान वजू उसी पानी से करता है, ना हिंदू को मना ना मुसलमान को मना, अब ये हिंदू मुसलमान बीच में डाले वो अलग बात है सब। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर गंगा मैया निर्मल हो गई है तो चुनाव आने तक 2019 तक मोदी जी उस गंगा मैया में सुबह शाम स्नान भर करेंगे, पता नहीं तब अगर स्नान निर्मल अगर हो गई है तो स्नान करने के बाद वो चुनाव लड़ने लायक रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मेरे कहने का तात्पर्य समझ गई होंगी आप।
बात दिल में रहना चाहिए और समय आने दीजिए। लोगों ने जो उम्मीद की है उससे बढ़ करके कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद होगा।